सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने मार्च महीने में सरकार के एक संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को स्वघोषित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था कर रही है। इसके माध्यम से सरकार राज्य में बांग्लादेशियों को बसाना चाहती है। बीजेपी के विधायकों ने आरोपों का जवाब सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने झारखंड वासियों के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, दूसरे देश के लिए नहीं। अगर वे लोग यहां हैं तो उन्हें चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। झारखंड वासियों के लिए एक तरह से ये सरकार के द्वारा अध्यक्ष बोले शोषण किया जा रहा। आदिवासी अध्यक्ष बोले एक तरफ हमारा बड़ाई चीख बड़ाई, एक तरफ अध्यक्ष महोदय लोहार लोहरा मुंडा भुईहर मुंडा और ये सब का अध्यक्ष महोदय अब खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांग कर रहे हैं जो संकल्प सरकार का है। और एक तरफ अध्यक्ष महोदय जो बांग्लादेश से आने वाले लोग भी अपना अध्यक्ष महोदय स्वघोषणा दे करके अध्यक्ष महोदय जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। अध्यक्ष महोदय आप अध्यक्ष महोदय ये आठवीं नवीं नहीं, ये जन्म के साथी बनेगा अध्यक्ष महोदय। और ये अध्यक्ष महोदय आठवीं नवीं नहीं, सभी क्लासों में इसका ड्राइव चलाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय जहां जो छूटे होंगे सबका 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। स्कूल के स्तर पर सरकार ने ये निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय कि 29 दिसंबर के बाद हर एक स्कूल में चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो सभी स्कूलों में सिर्फ आदिवासी ही नहीं सभी वर्गों के बच्चों का स्पेशल ड्राइव चला करके 6 महीना के अंदर सभी जाति प्रमाण पत्र बना लिए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।